आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। यूएमबी पेजर्स 2024 में इस साल उल्लेखनीय प्रतिभा और उत्साह देखने को मिला, जिसमें मनीषा कथोरिया ने मिसेज इंडिया श्रेणी में चौथा स्थान हासिल कर गौरवान्वित महसूस किया। मूल रूप से पलवल हरियाणा की रहने वाली और अब अहमदाबाद में रहने वाली मनीषा ने अपने आकर्षक व्यक्तित्व और शिष्टता से दर्शकों और जजों को प्रभावित किया और इस साल की प्रतियोगिता में अपनी अमित छाप छोड़ी। अपनी यात्रा के बारे में भावना व्यक्त करते हुए मनीषा ने इस शक्तिशाली मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देने के लिए यूएमबी पेजर्स और इसके संस्थापक उमिला बोरुआ को तहे दिल से धन्यवाद दिया। मुझ पर विश्वास करने और मुझे यह अद्भुत अवसर देने के लिए मैं यूएमबी और उर्मिला बोरुआ का बहुत आभारी हूँ, मनीषा ने कहा। अर्जुन कपूर, शारा अली खान और मानुषी छिल्लर के साथ इस शानदार रात का हिस्सा बनना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने अपने परिवार, दोस्तों और पति लोकेश कथोरिया को उनके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। यह उपलब्धि मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ और अपने सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। पेशे अहमदाबाद से नीता लिम्बाचिया की खास रिपोर्ट। मेरा नाम मनीषा कथोरिया है, मैं यूएमबी पेजेंट मिसेज इंडिया में मिसेज इंडिया 2024 में फोर्थ रैंक हूँ। आपका एक्सपीरियंस टोटल कैसा रहा? एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग लेके आई हूँ मैं वहाँ से। आई एम रियली हैप्पी कि मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और कुछ जीत के आए हैं। कितने पार्टिसिपेंट थे? 66 पार्टिसिपेंट थे, 4 कैटेगरीज थी, मिसेस, मिस, एमएस और एलीट कैटेगरी, जिसमें मिसेस कैटेगरी में मुझे फोर्थ रनर मिला है क्राउन, और मुझे एक और क्राउन भी मिला है, मैं बताना चाहूंगी, द कंजुनियलिटी क्वीन अवार्ड आल्सो आई गॉट द क्राउन इस कॉम्पिटिशन। तो मैं लास्ट दो महीने से हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही थी, और 5 डेज की हमें दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमारा फिनाले हुआ है। अब नेक्स्ट आपका क्या विजन गोल क्या है? तो अब इंडिया लेवल पे हो गया है, अब यूनिवर्स लेवल पे जाएंगे, मिसेस यूनिवर्स के लिए ट्राई करूंगी और उसकी पूरी तैयारी शुरू करूंगी। तो मैं लास्ट दो महीने से हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही थी, और 5 डेज की हमें ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग दी गई थी इंडिया के बेस्ट मेंटोर के साथ, आईटीसी मुगल आगरा में हमें ट्रेनिंग दी गई थी, और अब दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमारा फिनाले हुआ है। अब नेक्स्ट आपका क्या विजन गोल क्या है? तो अब इंडिया लेवल पे हो गया है, अब यूनिवर्स लेवल पे जाएंगे, मिसेस यूनिवर्स के लिए ट्राई करूंगी और उसकी पूरी तैयारी शुरू करूंगी।